But I would say that he is a very popular chief minister here, and he is giving a very honest and transparent government for the development of this state. I am Vanathi Srinivasan, MLA from Tamil Nadu and also national president of Mahila Morcha, Bharatiya Janata Party. As part of my organizational tour, I am today attending the state executive meeting of Mahila Morcha in Arunachal Pradesh. Yes, I heard about that. But of course, any political party are having the right to do so, but whether the people are believing it or not. Only for the sake of the political thing, they are making this kind of things of organizing some kind of this issues. But I would say that he is a very popular chief minister here, and he is giving a very honest and transparent government for the development of this state. And even yesterday, the central government has given an approval for naming of the airport. For after long years, the new airport is to be opened at Itanagar. And with that, the infrastructure development of the state is gaining momentum. And under the leadership of Mr. Pema Khandu, the state is progressing. And its double engine Sarkar is performing, as well as is discharging its duties and responsibilities towards the people of Arunachal Pradesh. And I hope that the people are having faith and hope on Mr. Pema Khandu. मैडम बनाती श्रीनिवासन जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में. और आप आए, हम खुश हुए. ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी शुभ कदम हमारे राज्य पर पड़े और हमारे राज्य के महिलाओं को आपने शिक्षित किया. महिलाओं के साथ में मिलके आपने आप अपनी महिला मोर्चा के बारे में, महिला मोर्चा को कैसे काम करना है, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, अपने लोगों के प्रति किस तरीके से एक नारी को सेवा करनी है, नारी का क्या रोल होता है समाज के निर्माण में, ये सब बातें आपने बताई. इसलिए बनती श्रीनिवासन जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और उसके साथ साथ आपने, मैं अभी आ रही थी तो आपका छोटा सा प्रेस वार्ता मैंने देखा, आपने कहा पेमा खांडू जी इज अ वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर. Of course, he is a popular chief minister. Popular आपके नजर, आपके नजरिए से वो किस किस हिसाब से पॉपुलर होंगे मुझे नहीं पता. हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का महाबाप है, तो भ्रष्टाचारी के नजरिए से वो हमारे लिए पूरे इंडिया में आज के डेट में अगर आप गूगल करोगे तो नंबर वन करप्टेड सीएम ऑफ द कंट्री इज मिस्टर पेमा खांडू. नो वन कैन डिनाई इट. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन श्रीमती श्रीनिवासन जी, मैं आपको बता दूं, आप चेन्नई से है कि कहां से पता नहीं, श्रीनिवासन सुनने तो आप साउथ इंडियन ही होगी. आप यहां नेशनल बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूं. आपने कहा पेमा खांडू इज ए वेरी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिन रात वो मेहनत कर रहा है स्टेट के अपलिपमेंट के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए. तो मैडम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप प्लीज ज्यादा नहीं, आप दिल्ली बीजेपी का जो कार्यालय है वहाँ अपने 22 प्रेसिडेंट को 3 महीने के लिए आप अपॉइंट करके रखिए, प्रेसिडेंट इंचार्ज बनाइए महिला मोर्चा का. और आप अरुणाचल में 3 महीना आप प्लीज थोड़ा सा आप आराम कीजिए और पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमिए. आप पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमिए, आपको अरुणाचल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव मिलेगा जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंचा है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां अभी तक पानी नहीं पहुंची है. और हो सके तो हर एक गांव में घूमकर हर एक सरकार की जितने भी स्कूल्स है, विद्यालय है, उनकी एक बार दौरा कीजिएगा. और जब आप ये सब करने जाएगी तो आपको सड़क से होके ही जाना होगा, तो उन सड़कों का हाल देखिए, गाड़ी के ऊपर बैठकर आपको लगेगा कि आप घोड़े की घुड़सवारी कर रही है. जिन चीजों को आप जानती ही नहीं, जिन मुद्दों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, यूं ही एसी कमरे में बैठकर 4 रिपोर्टर के आगे आराम से बक रही हो कि अरुणाचल में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है. चलो एक एक तरफ हम मान भी लेते हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की नेशनल अध्यक्षा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने पार्टी की तारीफ करें, पार्टी के सरकार की तारीफ करें. ठीक है, कीजिए तारीफ, हम मना नहीं कर रहे हैं.
आपको कोई हक नहीं बनता है हमारे ऊपर कुछ भी कटाक्ष करने का। आपको क्या पता है हम कितने इमोशनल होकर यहाँ पहुंचे हैं? आपको क्या पता है? कुछ जब पता ना हो तो कृपया आप इस तरीके से मीडिया के सामने बाहियात बयानबाजी मत दिया कीजिए। क्या कह रही हो आप कि हम पॉलिटिकल कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल कर रहे हैं हम? आप यहाँ आइए, आप दिल्ली की है ना, नेशनल बीजेपी महिला मोर्चा प्रेसिडेंट है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप यहाँ आइए। शायद आप इंडियन है कि नहीं, आपको हिंदी समझ में आती है कि नहीं पता नहीं, इंग्लिश में बात कर रही थी। हम तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, इंग्लिश हमें आती है, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, हिंदी इज आवर मदर लैंग्वेज। सो आई यूज टू प्रिपेयर माई सेल्फ ऑल द टाइम, आई ट्राई टू स्पीक हिंदी। नो डाउट आई मे बी नॉट सो फ्लुएंट इन हिंदी, बट आई रिस्पेक्ट हिंदी, आई प्रिजर्व हिंदी, एंड आई एम एन इंडियन लेडी, सो आई यूज टू हिंदी। बेटर यू ऑल्सो ट्राई टू टॉक इन हिंदी, डोंट यू ट्राई टू, तुम्हारी इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं हमारे ऊपर। इंग्लिश में झाड़ती हो, कहती हो कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किस चीज का पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं जरा आप यहाँ आके बताएं। और हमारे इतने मोटे मोटे इन कागजातों को आप देखिए। Yes, I heard about that, but of course any political party for having the right to do. Mrs. Banati Srinivasan ji, अगर आप देख पा रहे हो ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो ये किताब है, इसके नीचे ये कमल का फूल है, कमल के फूल के सामने इस पे लिखा है तीन शब्द बीजेपी। ये किताब किसने तैयार किया है? बीजेपी ने तैयार किया है। तो आप बीजेपी के नेत्री हो ना, नेता हो ना, महिला मोर्चा की नेशनल अध्यक्षा हो, आपका सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, पेमा खांडू बहुत अच्छा काम कर रहा है कहते हो, तो ये जो किताब है ये पेमा खांडू के ऊपर बीजेपी ने लिखा गया है जब पेमा खांडू बीजेपी में नहीं आए थे। अब क्या बोलोगे आप, इसका क्या जवाब है आपके पास? आप एक ही वक्त में एक ही बयान कीजिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। बीजेपी का नारा क्या है? भ्रष्ट मुक्त भारत होना है, भारत की विकास होनी है, भारत को ऊंचाई तक ले जाना है, सारे संसार में पूरे वर्ल्ड में भारत को नंबर वन कंट्री बनाना है। तो भारत नंबर वन कंट्री कब बनेगा? जब ऐसे चोर गद्दी पर बैठे होंगे। करोड़ों की चोरी की है, कितने करोड़ों की पता है? इस किताब में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम मिनिमम 2,00,000 करोड़ की चोरी हुई है। 2,00,000 करोड़ इंडिया का एक बजट होता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की एक बजट होती है। आरबीआई से पूछिए जरा, 2,00,000 करोड़ की चोरी हुई है। और आप कहती हो कि बढ़िया सरकार चल रहा है, बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करिए। आप आइए, मुझे बताइए आप कब पहुंच रही हो दिल्ली, हम आते हैं मिलने आपसे दिल्ली नेशनल बीजेपी ऑफिस में, महिला मोर्चा विभाग में, हम आपको सौंपेंगे ये सारे दस्तावेज, आपको बताएंगे कि आप जिन मुद्दों को आप जानती नहीं हो उस पर बकवास मत किया कीजिए। कम से कम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। आपको कोई हक नहीं है हमारे ऊपर तोहमत लगाने की कि हम राजनीति कर रहे हैं, शर्म की बात है। आप एक महिला हो ना, और आपका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर मिशन टुवर्ड्स द कंट्रीज लेडीज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरिंग? यू हैज बीन इंटरेस्टेड एज ए नेशनल वुमेन सेल बीजेपी प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा बीजेपी प्रेसिडेंट। यू बींग ए वुमेन, यू बींग ए वुमेन लीडर, बींग ए मदरली फिगर, यू हैव नो राइट टू पॉइंटिंग ऑन मी। I'm like your daughter, I'm like your sister. How could you say like that? It's very unfortunate. बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मुझे actually मैं इसी टॉपिक पर तैयार होकर आई थी आज यहाँ आप सबके साथ बांटने के लिए कि इस पे कितनी चोरी हुई है, विस्तार से मैं बताना चाहती थी, लेकिन आते आते मेरा मूड खराब कर दिया। Anyway.